आदर्श दान पात्र सेवा समिति ने संविधान दिवस पर ग्राम गांगुलपारा में की गई निशुल्क पाठशाला प्रारंभ। बच्चों को किए स्टेशनरी किट व गर्म कपड़ों का वितरण। आदर्श दान पात्र सेवा समिति बालाघाट द्वारा 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर समिति द्वारा संवेदनशील क्षेत्र ग्राम गांगुलपारा पहुंचकर बच्चों, ग्रामीणों एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निःशुल्क पाठशाला प्रारंभ की गई। वहीं इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने जन सहयोग से बच्चों को स्टेशनरी किट, गर्म कपड़े एवं जरूरत की सामग्री का वितरण किया गया। वहीं समिति के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर बच्चों एवं ग्रामीणों को संविधान के बारे में, सरकार की योजनाओं, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, विशेष तौर से बच्चों के जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा परिचर्चा की गई। गौरतलब हो कि ग्राम गांगुलपारा आदिवासी बाहुल्य वनांचल पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। आदर्श दान पात्र सेवा समिति बालाघाट मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश के अंदर वनांचल क्षेत्र गांगुलपारा में आज निशुल्क पाठशाला का प्रारंभ किया गया है। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके वजह से ही यह सब मुहिम आगे बढ़ पा रही है। और इस निशुल्क पाठशाला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हर चीज़ निशुल्क ही दी जा रही है। और हम सभी आपसे यह अपील करते हैं कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई देते हैं तो आप हमें आदर्श दान पात्र सेवा समिति बालाघाट मध्य प्रदेश के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।